फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पान के विषय में। फ्रेंड्स, पान का पत्ता जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, अगर दिन में हम एक से दो पान खाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। और फ्रेंड्स, पान में तंबाकू आदि नशीले पदार्थ न डालें, जैसे लौंग, इलायची, गुलकंद, नारियल, सौंफ और मुलेठी आदि डाल कर कर अगर हम पान खाते हैं तो हमारी सेहत के लिए लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, अगर एक से दो पान सादा या मीठा खाते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। जैसे कि अगर हम नॉनवेज खाते हैं या बहुत ऑयली खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगर हम एक पान का पत्ता लगाकर या सादा या मीठा पान खा लेते हैं तो हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है। फ्रेंड्स, पान का पत्ता पीस करके, जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके घाव जल्दी सही नहीं होते हैं, तो उनके घाव पे अगर लगा देते हैं तो उससे घाव जल्दी सही हो जाता है या फोड़ा जल्दी सही हो जाता है। और वैसे भी अगर हमारे बदन में कहीं फोड़ा या घाव होता है तो पान के पत्ते पर घी लगाकर गर्म करके बांधने से या तो फोड़ा दब जाता है या तो पककर निकल जाता है और दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। फ्रेंड, पान का पत्ता बच्चों को घी लगाकर सीने पे लगाने से उनकी खांसी और जकड़न में फ़ायदा करता है। पान के पत्ते का रस सर पे लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। फ्रेंड, पान को खाने से मुंह के छाले, गले का इन्फेक्शन सही होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो एक से दो पान खाने में शुगर कंट्रोल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप वीपी हाई के पेशेंट हैं तो पान को इग्नोर करें। और फ्रेंड्स, पान की तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर हम इसमें सौंफ, मिश्री, नारियल आदि डाल के खाते हैं तो पेट को ठंडक देता है। और अगर मुलेठी डालकर खाते हैं तो इससे खांसी में लाभ होता है। फ्रेंड्स, पान के पत्ते को के छोटे छोटे टुकड़े कर अगर एक गिलास पानी में रात में भिगो के रख देते हैं और सुबह उसे पी लेते हैं, जिससे कब्ज में राहत मिलती है। और ऐसा अगर आप एक हफ्ते करते हैं तो पुराना से पुराना कब्ज दूर हो जाता है। और फ्रेंड्स, पान हम खाते हैं, शौकिया खाते हैं, लेकिन अगर सीमित मात्रा में खाएं तो हमारी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है और फ़ायदा करता है। और अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।